हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की जो हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसमें देखिए क्या होता है कि ईच वेरिएबल इन एनी ऑफ आवर एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स हैज़ ए डाटा टाइप विच डिटरमाइंस द कोड दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम में हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं जो यूज़ होता है विच डिटरमाइंस द कोड दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग इट्स वैल्यू। अब जनरली जो है चार तरह के डाटा टाइप यूज होते हैं। देर आर फोर डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे पहला हो गया आपका करेक्टर। ये क्या होता है, इसमें क्या है कि हियर डाटा आर कोडेड यूजिंग सम करेक्टर कोड सच एज EBCD, यानी यहाँ पे डेटा को कुछ करेक्टर कोड की मदद से हम कोडिंग करते हैं। जैसे EBCDIC कोड हम यूज कर लें, EBCDIC कोड यूज करें या ASCII कोड यूज करें, मतलब कोई भी कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड यूज करके हम डाटा को कोडिंग कर लेते हैं करेक्टर टाइप में। अब इसमें क्या होता है कि 8-bit EBCDIC कोड जो यूज होता है, ठीक है, वो उसमें नॉर्मली एक सिंगल करेक्टर जो है वो एक बाइट में स्टोर किया जाता है, इसमें EBCDIC में। ठीक है, इसमें अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम आपको पूरा तो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि टाइम वेस्ट होगा, एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देते हैं कि EBCDIC के अंदर जो है वो तो आप बुक वगैरह से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये करेक्टर है, तो जैसे सपोज कीजिए करेक्टर है कौन सा, ए। तो अब EBCDIC में क्या होता है कि फर्स्ट 4 बीट जो है वो तो उसकी कैटेगरी समझ लीजिए या जोन बताता है। तो मान लीजिए हमने कहा 1100 और उसके बाद होता है 0001। ठीक, तो ये चीज कहलाती है जोन और ये हो गया इसका न्यूमरिक। ठीक, अगर इसी कोड को हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करें ए करेक्टर ए के कोड को, तो EBCDIC कोड इसका ये हुआ। हेक्सा में हम बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं C1, क्योंकि आप इसको डेसिमल में करिए, कन्वर्ट करिए C1, ये C हो गया आपका, ये 1 हो गया, C1 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कैपिटल लेटर B है तो वो हो जाएगा 1100, यहाँ हो जाएगा 0010, ये हो जाएगा C2। तो इस तरह से ये तो हमने आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं। ऐसी ये कहाँ तक जाएगा, ये जोन कोड जो है ये आपका जाएगा एच तक। ठीक है, ये एच तक सेम जोन कोड रहेगा यही वाला, और यहाँ पे न्यूमरिक कोड चेंज होता जाएगा तो न्यूमरिक कोड पहुंच जाएगा इसका 1000। ठीक, यानी कि इसमें आप आएंगे तो ये हो जाएगा C9 तक। उसके बाद H के बाद जब I आप लेंगे तो जोन कोड यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। फिर ठीक है, अच्छा ये 1001 तक, I तक वही रहेगा, मतलब H नहीं, ये आपका I तक यही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1001 मतलब 9 तक, और I का कोड आ जाएगा ये C8 होगा H का, I का आएगा C9। यहां तक तो देखिए जोन कोड यही रहेगा, फिर EFGHI, उसका जब J आप करेंगे तो J में जोन कोड चेंज हो जाएगा 1101, और फिर अपना यही चीज शुरू होगी 0001। तो मेन है आपको केवल लॉजिक ये समझना है कि हर करेक्टर जो है, जैसे A का कोड ये हो गया, B का ये हो गया, H का ये हो गया, I जैसे J का ये हो गया, तो EBCDIC कोड में किसी भी करेक्टर का अपना जो है उसका 1 byte का या 8-bit का कोड होता है। और एग्जांपल आपको बता दें, बाकी पूरी टेबल आप उसमें देख लीजिएगा बुक्स में। जैसे ब्लैंक है, जैसे हम लोग स्पेस देते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा ब्लैंक, जो स्पेस बार से हम स्पेस देते हैं, उसका कोड क्या आता है EBCDIC में, 0100 और 0000 ये आता है। हेक्सा में आप करेंगे ये हो गया 40। और आपको एग्जांपल समझा दें, जैसे मान लीजिए हमने कहा हैश साइन हम देते हैं, तो हैश साइन का EBCDIC कोड जब आप निकालेंगे
तो वो आएगा 0111 और 1011, यानी कि इसका अब ये आप करेंगे तो ये हो गया 7B हेक्स कोड। तो इस तरह से ये जो हमने कुछ एग्जांपल आपको समझाया है, इसी तरह से सारे आपके कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, डिजिट 0 से 9 तक, और आपके जो स्पेशल करेक्टर होते हैं जैसे आपका पैरेंथेसिस हो गए, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, एट द रेट, सिग्नल, हैश का हमने बता ही दिया, ये सबका एक EBCDIC कोड होता है और एंड दैट इज ए स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, तो ये तो हो गया करेक्टर टाइप डाटा के लिए। अब आप आ जाइए सेकेंड डेटा टाइप, हम बात करते हैं रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड डेटा टाइप इज रियल और फ्लोटिंग पॉइंट। हियर न्यूमेरिकल डाटा आर कोडेड यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा को हम कोड करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, थर्ड जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटीजर या आप कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट। डेटा रिप्रेजेंटेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा, इस चैनल पे भी अवेलेबल है, नहीं तो इसके जो सब्सिडरी चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल CSIT के नाम से, तो इन दोनों में से किसी चैनल पे ऑलरेडी डेटा रिप्रेजेंटेशन की फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारी लेक्चर क्लासेस अवेलेबल है, तो आपको डीप डिटेल में पढ़ना होगा तो आप उन लेक्चर्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर और फिक्स पॉइंट जो डेटा होता है ये क्या होता है, हियर पॉजिटिव इंटीजर्स आर कोडेड यूजिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड निगेटिव इंटीजर्स बाई सम बाइनरी वेरिएशन सच एज 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इंटीजर टाइप जो डेटा होता है इसमें जो पॉजिटिव नंबर है वो तो सीधा सीधा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर हैं उनको सब स्पेशल फॉर्म मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट, जनरली 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीसरा हो गया आपका इंटीजर टाइप डेटा, और चौथा जो आता है आपका वो होता है लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा में क्या होता है कि देखिए, फोर टाइप इज लॉजिकल डेटा टाइप। इसमें क्या होता है कि हियर द वेरिएबल कैन हैव ओनली द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स को जो वैल्यू मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यू आप असाइन करते हैं या कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है किसी वेरिएबल को, वो केवल या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स होती है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब हेंस इट मे बी कोडेड यूजिंग ओनली 1 बिट, 1 for true and 0 for false। ठीक है, तो लॉजिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको सिंगल बिट हम डेटा वो वैल्यू दे सकते हैं, जनरली ट्रू ट्रू अगर है उसके लिए हम 1 देते हैं और अगर फॉल्स है उसके लिए हम 0 देते हैं। कुछ केसेस में इन सम सिचुएशन या इन सम केसेस क्या होता है कि 8 बिट मतलब 1 1 1 1 और फिर 1 1 1 1 ये यूज होता है किसके लिए, ट्रू के लिए। ठीक है, और 0 0 0 0 और बाकी के 4 बिट भी 0 0 0 0 ये यूज होता है फॉल्स के लिए। तो जनरली डेटा स्ट्रक्चर में या डेटा एल्गोरिथम में, प्रोग्राम्स में, ये 4 तरह के डेटा टाइप ही यूज होते हैं। पहला जो था आपका करेक्टर टाइप, दूसरा हो गया रियल, तीसरा हो गया इंटीजर और चौथा हो गया लॉजिकल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको अगर चाहे तो एक आध एग्जाम्पल देके भी हम आपको समझा देते हैं, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक,
अब हमने क्या कहा कि सपोज ए 32 बिट मेमोरी लोकेशन एक्स कंटेन्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बिट्स। मान लीजिए कोई एक 32 बिट की मेमोरी लोकेशन है एक्स के नाम से, और उसमें जो 32 बिट हैं वो दिए हुए हैं आपके, क्या क्या है, 0110, फिर है आपका 1100, 8 ये हुए, फिर आगे चलिए 1100 और 0111 ये हो गया, फिर 1101 हो गया, फिर 0110 ये हो गया, और फिर हम करेंगे 0110 और 1100। ठीक, ये 32 बिट मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर है। अब कह रहा है कि देयर इज नो वे टू नो द कंटेंट्स ऑफ द सेल अनलेस द डाटा टाइप ऑफ एक्स इज नोन। अब ये सारा किस में स्टोर है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, ये एक 32 बिट की मेमोरी है, 32 बिट की मेमोरी लोकेशन है एक्स के नाम से, और उसमें ये स्टोर है। अब हम कहें कि इसका डेटा टाइप बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देयर इज नो वे टू नो द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल अनलेस द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज नोन। तो जब तक आपको एक्स का डेटा टाइप आपको नहीं पता होगा, ये इंटीजर है, फ्लोट है, लॉजिकल है, करेक्टर है, क्या है, तब तक आप इसके कॉन्टेंट नहीं बता पाएंगे। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि सपोज एक्स इज डिक्लेयर टू बी ऑफ करेक्टर टाइप And EBCDIC is used. हमने क्या कहा कि let x is of character type और हमने EBCDIC is used. तो क्या होगा, then the four character are stored in x. तो क्या होगा कि इसमें चार करेक्टर जो है आपके, जैसे ये परसेंटेज साइन जी ओ परसेंटेज साइन, ये स्टोर होंगे आपके कहां पे, आर स्टोर्ड इन एक्स जो मेमोरी लोकेशन है। ठीक, अब सेकंड पार्ट इसका देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि लेट एक्स इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर या रियल। मान लीजिए x को हमने डिक्लेयर किया है कि ये इंटीजर है या रियल है, तो क्या होगा, देन एन इंटीजर और रियल नंबर इज स्टोर्ड इन x, देन एन इंटीजर और रियल नंबर इज स्टोर्ड इन एक्स। ठीक है, तो जब तक आप डेटा टाइप नहीं जानेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या स्टोर है। तो इसीलिए आपका मेन जो इस एग्जांपल देने का मतलब ये था कि मेन ये है कि जब तक आप डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए, तो उसके अंदर क्या स्टोर है ये नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेटा टाइप को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।